मेरा सवाल है कि सर, अभी मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़ के 10 साल हो गया, वो कहाँ है, क्या है, एक मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर उसका दोनों कैसे बोलने का मेरे को, वो क्या वो नहीं मालूम। फिर अभी मेरे को बेटा है, अभी उससे वो काम पितृ वो करवाना नहीं करवाना। और ऐसे ही मेरा बुआ के साथ भी हुआ है, मेरा पापा के बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ है, उसके बुआ के साथ भी ऐसे ही हुआ है। तीन बेटियों को ऐसा ही हो रहा, पति के साथ नहीं रहना या भाग जाना या किचु इशू होकर कुआं में बच्चों को डालकर, मेरे बुआ के बुआ आई मीन डैडी के बहन ऐसे ही हुआ। 3 जनरेशन ऐसे ही हो रहा बेटियों के साथ। अभी मेरे को भी मेरा ऐसे ही हुआ, 10 साल हो रहा। अभी मेरा बेटा एक है, बेटी एक है, फिर बेटे के साथ कुछ करवाना या नहीं करवाना मुझे नहीं मालूम हो रहा। सही। अभी ये दोनों क्वेश्चन जो दोनों पार्टिसिपेंट्स ने पूछे हैं उसके मैं आंसर करने के लिए कुछ बातें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस आई एम गोइंग टू शेयर वन इमेज। व्हेन यू सी द इमेज, यस सर। सो दिस इज द स्टोरी। इमेजिन यू आर हस्बैंड वाइफ, नाउ यू हैव मदर फादर, देयर आर टू सोल्स, देयर आर देन फोर सोल्स, देन देयर आर 8 सोल्स, एंड देयर आर 16 सोल्स, एंड देयर आर 32 सोल्स, 64, 128, एंड द टोटल ऑफ ऑल दिस इज 254 सोल्स। वॉट एवर यू आर टूडे, आज आप जो भी हो, इन सभी के डीएनए की इम्पैक्ट आपके डीएनए में है। ये स्पष्ट है आपको मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ गए ठीक से आप लोग? यस यस सर। हाँ, तो अभी बताइए कि लीनिएज में जो भी ये पितृस के प्रॉब्लम्स होते हैं या डीएनए में, जो डीएनए 7 जनरेशन से आया हुआ है, मेरे में भी वही डीएनए है, 7 जनरेशन से ये डीएनए चला आता है, तो उनकी अधूरी इच्छाएं, उनकी जो अच्छाइयां हैं, वो दोनों मैं साथ में लेके चलता हूं। मैं अभी कुछ प्रोसेस करके मैं लिबरेट हो चुका हूं, लेकिन आप में कई लोग ऐसे हैं जो लिबरेट नहीं है। तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोग क्या पितरों की श्राद्ध करते हैं हर हर साल? श्राद्ध क्यों करते हैं हम लोग? श्राद्ध करने का अर्थ क्या है? सर, पितरों के लिए जो पेस है उनकी फर्दर प्रोग्रेस के लिए फास्ट हो जाए। जी वापस बोलिए, सॉरी। सर जैसे पितर है हमारे, तो उनकी पेस मतलब वो अगले जन्म में चले जाए या उनकी जो भी स्टेज है वो थोड़ी फास्ट हो जाए। सर अच्छा, तो श्राद्ध करने से ऐसा होता है क्या? और आपको मालूम है क्या ऐसा होता है? नॉट श्योर, मैंने सुना था ऐसा। हमने सुना हुआ है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना? यानी इसका मतलब बहुत स्ट्रेट है कि पितरों के बारे में हमारे पास हमारी धारणाएं हैं, हकीकत नहीं है, बताया करेक्ट? और आता हूं इसके ऊपर।